एक बार फिर देश में लॉकडाउन लग रहा है। एक बार फिर देश में वही परिस्थिति आएगी जब लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, लोग अपने ईएमआई को नहीं पे कर पाएंगे, लोग एक बार फिर मोरेटोरियम की डिमांड करेंगे। क्या इस बार आपको सेंट्रल गवर्नमेंट मोरेटोरियम देगा? अगर मोरेटोरियम प्रोवाइड करता है तो कितने दिनों का देगा? क्या वो 3 महीने का होगा या 2 साल का होगा? ये कितने दिनों के स्लॉट में दिया जाएगा? क्या रिकास्ट किया जाएगा या रिस्ट्रक्चर किया जाएगा? किस तरह से आपको फायदा पहुंचाया जाएगा? इस बार रेजोल्यूशन ऑफ फ्रेमवर्क में क्या क्या गाइडलाइंस आएंगे? कौन कौन मोरेटोरियम के लिए अप्लाई कर पाएंगे? किसको मोरेटोरियम का फायदा नहीं होगा? अगर आप भी अपने पैसे को ईएमआई को नहीं पे कर पा रहे हो, अगर आपको भी मोरेटोरियम चाहिए, अगर आप भी चाहते हो कि बैंक आपको थोड़ा सा रिलीफ दे, इस वीडियो को भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो, वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके सब्सक्राइब करने से शायद आपका एक ईएमआई बच जाए और आपका लोन डिफॉल्ट होने से भी बच जाए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मोरेटोरियम कब प्रोवाइड किया जाता है। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन का टॉपिक है क्योंकि बहुत सारे लोग इस पे कंफ्यूज होते हैं कि आपको मोरेटोरियम कब प्रोवाइड किया जाता है। देखिए, मोरेटोरियम देने का अधिकार किसको होता है? आपके बैंक को। और बैंक आपको मोरेटोरियम कब प्रोवाइड करेगा? जब सेंट्रल को आरबीआई और आरबीआई को बैंक प्रेशराइज करेगा या उनको एक ऑप्शन के रूप में देगा कि जो कस्टमर अभी पैसे नहीं दे पाते हैं, इसमें ज्यादातर इंडस्ट्रियल आते हैं, पर रिटेल बोरोवर को भी मोरेटोरियम प्रोवाइड किया जाता है। अब सीधे सीधे मोरेटोरियम वो लोग प्रोवाइड नहीं कर पाते, मोरेटोरियम में बहुत सारे ऑप्शन को डालते हैं। और सबसे पहले की बात याद रखिएगा, लोग लोन रिकास्ट, लोन रिस्ट्रक्चर और मोरेटोरियम में काफी ज्यादा कंफ्यूज जाते हैं। देखिए, लोन का रिस्ट्रक्चर होना मतलब लोन का फिर से नया जोड़ तोड़ कैलकुलेशन करके, एकदम साधारण भाषा में समझिए, एक नए लोन के रूप को तैयार करना, इसको रिस्ट्रक्चर बोलते हैं। उसी के अंदर मोरेटोरियम आता है, उसी के अंदर रिकास्ट आता है और बहुत सारे फैसिलिटीज दिए जाते हैं। जब कोई भी बैंक आपको रिकास्ट अप्लाई करने के लिए बोलता है तो इसका मतलब समझिए मोरेटोरियम उसी में इनबिल्ट है। आप एक पूरे लोन पीरियड के अंदर एक बार मोरेटोरियम अप्लाई कर पाते हो, पर कोरोना के मेहरबानी से ये मौका शायद आपको ये तीसरी बार भी मिल सकता है। एक अंडरस्टैंड करने वाला बात है और एक प्रैक्टिकल बात है, मैं दोनों बताऊंगा। अगर आप बैंक से भी मोरेटोरियम लेने जाओगे तो बैंक बोलेगा ऐसा कोई भी गाइडलाइन हमारे पास नहीं है। पर एक सच ये है कि कोई भी इंसान अभी ईएमआई पे करने की कंडीशन में भी नहीं है। जब आप अर्न नहीं कर पाओगे, आपके बिजनेस को रोका जाएगा, लॉकडाउन लगाया जाएगा, आप कमाओगे नहीं, आप ईएमआई पे नहीं कर पाओगे, तो मजबूरन वश आरबीआई को एक गाइडलाइन निकालना पड़ता है, एक सर्कुलर निकालना पड़ता है, जिसमें यह बताया जाता है कि जिन कस्टमर का लोन अकाउंट अभी, अगर मान लीजिए जनवरी या दिसंबर तक स्टैंडर्ड था, एनपीए नहीं था, उन्हें आप मोरेटोरियम प्रोवाइड कर सकते हो। पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका लोन अकाउंट एनपीए में जा चुका है। तो सबसे पहले आप अपने लोन अकाउंट को स्टैंडर्ड में कैसे लाओगे? देखिए समझिएगा, एनपीए को थोड़ा सा समझिए। एनपीए आपके मोबाइल रिचार्ज की तरह होता है, जब आप कुछ दिन रिचार्ज नहीं करते आपका सिम काम करना बंद कर देता है, पर जैसे आप रिचार्ज करते फिर से काम होता है ना। आप 3 महीने ईएमआई नहीं देते तो आपका लोन अकाउंट एनपीए में चला जाता है, पर उसके बाद आप जैसे उस 90 दिन के गैप को अगर एक ईएमआई दे के करते तो आपका लोन अकाउंट स्टैंडर्ड में रहता है। सबसे पहले अपने लोन अकाउंट को स्टैंडर्ड में लेके आइए, तब जाके बैंक से आप मोरेटोरियम डिमांड कर पाओगे। जब वो चीज आप एलिजिबल ही नहीं होगे तो डिमांड करोगे तो बैंक देगा भी नहीं। और बहुत सारे कंडीशन भी होते हैं कि कैसे आप बैंक से मोरेटोरियम ग्रैब कर सकते हो। इसी तरह से अगर कोई भी परेशानी बैंक से रिगार्डिंग है, आपको लीगल नोटिस से रिगार्डिंग है, बैंक किसी भी तरह आपको परेशान करता है, टॉर्चर करता है, लीगल नोटिस देता है, आपका घर के ऊपर लोन है, आपका प्रॉपर्टी के ऊपर लोन है, किसी भी तरह का लोन है, आपको समझ में नहीं आता, अब हम क्या करें? अगर बैंक परेशान कर रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा, उस चीज को आप समझ नहीं पाते, क्योंकि देखिए कोई भी लोन, आप क्रिमिनल नहीं हो, ये कोई क्रिमिनल केस नहीं है, सिविल ऑफेंस है। अगर आपको समझ में नहीं आता, बैंक आपको या रिकवरी एजेंट आपको गलत गाइड कर रहे हैं, अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा, आप कॉन्टेक्ट कर पाओगे, आप मुझसे पर्सनली बात कर पाओगे। और कोई भी लीगल ऐसा सोल्यूशन नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं होता, और आपको 100% सोल्यूशन मिलेगा और आपको कुछ भी नहीं होगा, इसकी गारंटी हम देते हैं, क्योंकि एक ऑनलाइन बता रहे हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे, आप मोरेटोरियम अप्लाई करना चाहते हो, किसी भी रिगार्डिंग बात करना चाहते हो, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं इसी तरह की और भी वीडियो लाता रहता हूँ। तो जय हिंद, वंदे मातरम।